वेलकम बैक माई चैनल। सो गाइज, आज की इस वीडियो में आप लोगों को कोई ड्राइंग नहीं सिखाऊंगे, ना ही आपको बताने वाली कि मैं इसमें कौन कौन सा वर्क कैसे कैसे किया हुआ। तो गाइज, आज मैं अपनी वीडियो पे आप लोगों को मैं अपनी सारी ड्राइंग दिखाने वाली जो कि मैं बैठ अरे मुझे चक्कर आने लग गया। मुझे लगा कि क्यों ना मैं ये सारी वीडियो जो मैं देख रही ड्राइंग में आप लोगों के साथ शेयर करूँ ना आप लोगों को दिखाऊँ मैंने कितनी सारी ड्राइंग बना के रखी हुई है। काफी टाइम से बना रही थी, छोटी सी होके मतलब बचपन से ही बना रही थी। तो मैं बहुत सारे ड्राइंग है जो बचपन के काफी थोड़े से होते ना, बचपन जैसा ड्राइंग वैसा है। एंड बाकी जो ड्राइंग है मैंने रिसेंटली जो बनाया हुआ है वो सब दिखाने वाली। तो गाइज, मैं आज की इस वीडियो में आप लोग को अपनी सारी ड्राइंग दिखाने वाली। एंड इसमें सबसे अच्छा ड्राइंग आपको कौन सा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। तो चलते हैं अपने ड्राइंग की तरफ। तो फ्रेंड्स, आप लोग देख सकते हो कि मैंने कितनी सारी ड्राइंग है जो मैंने पूरा फैला दिया है। मतलब रूम में पूरी तरह से अपनी ड्राइंग को बिखेर के रखा हुआ है। एंड ये जो मैं ट्राइपॉड जहाँ पे भी मैं काम कर रही थी, फिर मैंने सोचा कि मैं काम ना करके अपना ड्राइंग देखूँ, तो मैं सारी ड्राइंग देख रही। तो गाइस, आप लोग देख सकते हो कि किस तरह से मैंने पूरी ड्राइंग फैलाई हुई। ये फुल साइज की जो वाटर कलर मैंने बनाया हुआ है शेर, एंड ये हमारा हाथी, और ये राधा कृष्ण, और ये गणपति जी जो है। और ये देख रहे हो गाइस, लाइन से देख रहे हो कितनी सारी वर्क है जो मैंने फैला रखा है। कुछ कुछ वर्क तो मैंने फाइल में ही रखा हुआ, उसे फैलाया भी नहीं है। तो आप लोग देख सकते हैं कितनी सुंदर दिख रही है गाइस। और चाकू वर्क तो देखो, मतलब तो बहुत ही अच्छा है। एंड ये हमारा एप्पल जो मैंने थोड़ा 3D लुक दिया हुआ है, थोड़ा रियल जैसा दिखे ऐसा करके मैंने कुछ बनाया हुआ है। एंड ये हमारे बाबा जी जो है, जिसके मैं हर वीडियो में कहती हूँ भाई मुझे ना साधु लोग जो होते हैं उनकी फेस बनाने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि चेहरे पर जो बात होती है ना कि मतलब बहुत अलग ही होती है। इनके चेहरे पे जो बात होती है गाइस, बनाने में बहुत मजा आता है। और मैं आप लोग को दिखाते, ये हमारा MC स्टैंड जिसके फैन बहुत सारे हैं। इस पर काफी अच्छा व्यू मुझे मिला था, रिस्पांस भी बहुत अच्छा मिला था। तो गाइस देख रहे हो आप लोग कितने सारे वर्क है जो मैंने इस तरह से फैलाया हुआ है। मेरे रूम तो देखो गाइस, मतलब ड्राइंग से पूरी फैली हुई, कितनी प्यारी लग रही है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इसी में मैं सो जाऊँ, मतलब बहुत ही अच्छा है ये। कि मेरा ना हार्ट बोल सकते, एक तरह से मेरे दिल है जहाँ पे मैं बैठ के अपने पूरे दिल से अपने वर्क करती हूँ। गाइस, कॉपी पे भी मैंने बहुत सारी ड्राइंग की हुई हूँ, आपको दिखा रही हूँ लाइन बाय लाइन, मैं आपको सारे वर्क दिखाती हूँ। तो गाइस ये देख रहे हैं हमारे सीता माँ और राम जी हैं जो कि वनवास पे गए थे, और ये पैर है, ये महादेव जी हैं जो हमने TV पे जो आते हैं उनका देख के बनाए हैं, ये कथक से जो हाथों के जरिए किया जाता है डांस, ये बाबा जी है। जैसे कि मैं कहती हूँ मुझे साधनों को बनाने में बहुत मज़ा आता है, तो ऐसा कुछ है। ये ऐसे मतलब नॉर्मल वर्क है, जैसे कि मैं कभी कभी रात को नींद नहीं आती ना, तो फिर इस टाइप की मैं वर्क लेके बैठ जाती हूँ। मेरे पास मेरी कॉपी तो होनी ही चाहिए, जब भी मैं सोती है कहीं भी रहती हूँ हर जगह मेरी कॉपी इस तरह से फैली होती है। एक कॉपी तो मेरे पास होती है एंड पेंसिल भी होती है, जिस वजह से मैं अपने सारे वर्क करती हूँ। तो गाइस देख रहे हो, ये हमारे ऋषि कपूर जी हैं, और ये सारे वर्क हैं जो बहुत सारे हैं गाइस, आप लोग इसे देखते रह जाओगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा। आप लोग देख रहे हो कितने सारे वर्क है मेरे पास, तो फैला बताई ना मैं कुछ फैलाई हुई हूँ एंड कुछ नहीं फैलाई। ये जो हमारा नॉर्मल ड्रॉ की हुई, तो ये नॉर्मल ड्रॉ है जिसमें मैंने वर्क तो अभी किया हुआ नहीं है। देख रहे हो किस तरह से मैं नॉर्मल वर्क करती हूँ। एंड ये हमारे मतलब यूट्यूब पे मैं बताई ना क्वेश्चन भी करती हूँ, तो उससे जो विनर है ये सारे विनर ड्रॉइंग है, इन्होंने फेस दिया था अपना, मतलब जीते थे तो उस फेस पर मैंने इन लोग की फेस बनाया हुआ है ना। और ये तो आप पहचान सकते हो, एंड कमेंट बॉक्स में इनका नाम मुझे ज़रूर बताना है कौन है। ये एक यूट्यूबर है बिलासपुर में रहता है, जो मेरा अच्छा फ्रेंड है। इन्होंने मुझे बहुत हेल्प किया मेरे यूट्यूब चैनल के लिए। एंड तो आपको देखिए, आपने देखा ये MC Stand जो है, इसको इस तरह से कुछ मतलब अपने दिमाग से लगा के हैंग करके थोड़ा सा लगाया हुआ है। एंड देख सकते हो इसमें कुछ कुछ गोल्स हैं, जैसे कि एंड विकेट्स, इस टाइप के फोकस जो भी है, इन जो भी पॉजिटिव थॉट्स होते हैं मैं इन सभी को यहाँ पे लगाए रखती हूँ। एंड ये जो है इस वॉल पे दिख रहे हो, मैंने अपने सेल्फ जो होती है डियर सेल्फ के ऊपर मैंने कुछ लिखा था, और उसके ऊपर पे मैंने ड्राइंग बना के अपने वॉल पे लगाया हुआ है। और ये मेरी जो ड्रीम्स हैं जो आप लोग के जरिए शायद हो सकते हैं मेरी ड्रीम भी पूरी हो जाए। तो गाइस आप लोग मेरे चैनल को सपोर्ट जरूर करें। एंड सारे रूम को रखा हुआ है, ये सारी ड्राइंग कितने प्यार से फैलाई हुई ना गाइस, आप लोग देख सकते हैं किस तरह से मैंने फैलाया हुआ है। एंड आप लोगों को इसमें कुछ भी क्वेश्चन करना हो तो मुझे ज़रूर बताएं। एंड इस ड्राइंग में आपको कुछ भी जो सबसे अच्छी ड्राइंग लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना गाइस, कि आप लोगों को इसमें सबसे अच्छी ड्राइंग कौन सी लगी है, चारकोल वर्क, वाटर पेंटिंग, या फिर इस टाइप की जो बड़ी बड़ी ड्राइंग्स है। तो गाइज देखा ही था आपने कि किस तरह से मैंने अपनी ड्राइंग को पूरे फैला के आप लोगों को दिखाया हुआ है। तो गाइज ये ड्राइंग आपको कैसी लगी, इसमें सबसे अच्छा ड्राइंग कौन सा है मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। एंड गाइज ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। तो गाइज मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट ड्राइंग के साथ, तब तक के लिए बाय।
फ्रेंड्स, आप लोग चाहो तो मेरी इंस्टा आईडी पे भी जाके मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। तो गाइस मैंने अपनी इंस्टा आईडी नीचे डिस्क्रिप्शन पे डाली हुई, तो आप चेक कर सकते हो।